मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया एक दुकानदार से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे कह रहे हैं कि मुझे भाई साहब से आदेश मिला है कि विनोद जी के पास जरूर जाऊं। पूरा मामला क्या है आइए जान लें, लेकिन उसके पहले देखिए ये वीडियो। विनोद कुमार विनोद, अच्छा विनोद बताओ तुमने क्या करिश्मा किया है कि मुझे यहाँ आदेश दिया गया कि आप जाओगे कोलारस में, आप जा रहे हो क्या? मैं जा रहा हूँ। आप जाओगे कोलारस में तो मेरे लिए विनय, विनय नाम ना, विनोद, विनोद के दुकान से मेरे लिए मिठाई लेके आने का है। तो मैंने कहा कौन सी मेरे, तो माइंड साहब ने बोला कि वो विनोद के दुकान से ही मिठाई लेके आने के लिए, इतना जबरदस्त मिठाई है मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया, तो मैं आदेश के आधार पर आपके सामने पहुंच गया हूं। तो कौन सी वाली मिठाई खिलाई थी तुमने? ये क्या है? ये बेटे का बनता है। अच्छा बेटे का, पहले आप देखो। और इसमें, और इसमें, इसमें नहीं मैं इतना नहीं बोला, नहीं मैं एक मिनट बैठे पहले समझ तो लूं मैं। इसमें क्या गुलाब ही डाला है आपने? नहीं, मावा तो ऊपर डाला है, पर ये गुलाब की पंक्तियाँ सूखी गुलाब की पत्ती डलती है महाराज। अच्छा जैसा वो आता है। और ये किसने सिखाया आपको बनाने? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसने सिखाया? पूछता नहीं है साहब, बुजुर्ग महाराज। आपके पिताजी बनाते थे? आपने कब तक गोबर की? 20 साल हो गए। कलाकंद के नाम से? अच्छा जी, बस अंदर। हाँ, और बच्चा भी बनाना? नहीं बनाना। आप किसी को सिखा भी दो कि ये आपको बताऊँ, ऐसी चीजें आपकी धरोहर नहीं, बनारस की धरोहर नहीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते सोमवार को शिवपुरी के केएलआरएस के दौरे पर थे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिंधिया गुजर रहे थे। अचानक उनका काफिला बस स्टैंड के पास रुक गया। इसके बाद वो एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसके कैप्शन में सिंधिया ने लिखा कि कोलारस के स्पेशल लौकी के बने स्वादिष्ट हलवा की कुछ अलग ही बात है, अगली बार कोलारस आए तो विनोद रजाले की मशहूर मिठाई की दुकान पर जरूर रुके। अब ये भी सुन लें कि जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे थे। दरअसल उन्होंने कहा कि विनोद तुम बताओ तुमने क्या करिश्मा किया है कि मुझे आदेश दिया गया कि आप कोलारस जा रहे हो तो मेरे लिए विनोद की दुकान से मिठाई लेकर ही आना। मैंने उनसे पूछा कि विनोद जी की मिठाई में ऐसा क्या खास है, तो भाई साहब ने कहा कि आज तक मैंने उस जैसी मिठाई पहले कभी नहीं खाई, मैं आदेश के आधार पर आपके सामने पहुंच गया हूं, अब आप ही बताइए कि आपने उन्हें कौन सी मिठाई खिलाई थी। इसके बाद दुकानदार विनोद ने सिंधिया को मिठाई की खासियत बताई, उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या पड़ता है। सिंधिया ने खुद मिठाई खाई, जमकर तारीफ की। इसके बाद वो अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के लिए मिठाई खरीद कर ले गए। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे उनके लिए चुनावी प्रचार कर रही थी। इस दौरान वो शिवपुरी के केएलआरएस पहुंची थी, यहाँ उन्होंने विनोद की दुकान से ये मिठाई खाई थी। जब प्रियदर्शनी यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने दुकानदार विनोद से ये कहा था कि उनकी मिठाई वो महाराज को जरूर खिलाएंगी। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ विनोद जी की दुकान पर मिठाई लेने पहुंचे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।